महाराष्ट्र और न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दहेज से तंग आकर गुजरात की आयशा नामक एक युवती ने साबरमती नदी में उड़ी मारकर की आत्महत्या, जिसके प्रसाद आज देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। कई विद्वानों ने इस बात दहेज की इस प्रथा को लेकर खंडन किया है। इसी घटना को लेकर आज शोलापुर की गुडलक बहुद्देशीय सामाजिक संस्था ने दहेज की इस घृणोनी प्रथा को लेकर खंडन किया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र का न्यूज़ चैनल पर। हुआ है आयशा का, तो जिसने आत्महत्या किया है, तो आज हम गुडलक ग्रुप बहुत ही सामाजिक संस्था की तरफ से हम उसका विरोध करते हैं। जिस तरह ने आयशा ने दहेज के मामले में आकर आत्महत्या कर ली है, तो हम कानून से यही कहना चाहते हैं कि जो दहेज का रस्म व रिवाज है, इसे बंद करें। जैसा इस्लाम में बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना बिल्कुल दोनों, कानून से यही अपील करते हैं कि आयशा ने जिस तरह से जिसके दबाव में दहेज के कारण आत्महत्या किया है करे, और गुडलक बहुत सामाजिक संस्था की तरफ से हम उसका विरोध करते हैं। जस्टिस फॉर आयशा, जस्टिस फॉर आयशा। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, जो आयशा लड़की का जो आत्महत्या की दहेज की वजह से, हम उसका खंडन करते हैं। गुडलक बहुत ही सामाजिक संस्था की तरफ से हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो आज समाज के अंदर माहौल चल रहा है कि भाई दहेज की प्रक्रिया, हुंडा, ऐसी जो चीज़ें मांगी जा रही है जिसकी वजह से बच्चियों को तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों का गुडलक बहुत ही सामाजिक संस्था से खंडन करते हैं। और ऐसी अपील करते हैं कि लोगों से कि वो अपने अंदर ऐसा जागरूकता पैदा करें कि वो ऐसी कोई दहेज या हुंडा ऐसी चीज़ें ना मांगे जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को, और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस